Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing life processes, and in last lecture we had started a respiratory system. This is a video lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching this part 6. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन एक्चुअली होता कैसे है और एनिमल में रेस्पिरेशन की बात करेंगे. तो दो तरह के एनिमल होते हैं, एक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब वो है जो जो लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो वाटर में रहते हैं. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एटमॉस्फेयर में ही कर देते हैं. जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से तो नहीं लेते, वो वाटर में जो सोल्यूबल ऑक्सीजन होते हैं उसी को लेते हैं और वहीं पे रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. चूंकि वाटर में जो ऑक्सीजन की कंटेंट है, जो अमाउंट है, वो बहुत लो होती है, कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार इनहेल करना पड़ता. मतलब दे आर टेकिंग respirations very rapidly, their respiration process are very rapidly, बार बार बहुत जल्दी जल्दी होता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की यूनिट बहुत कम होती है. जो terrestrial एनिमल होते हैं वो तो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और एयर में ऑक्सीजन की यूनिट जो अमाउंट है वो ज्यादा है, इसलिए उनकी प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है. यानी ब्रीदिंग जो होती है वो एक्वेटिक एनिमल का फास्टर होती है rather than the terrestrial एनिमल. ये बात आप समझ सकते हैं. तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी ब्रीदिंग कैसे होती है, उनकी रेस्पिरेशन के लिए वो क्या करते हैं कि वाटर को मुंह में लेते हैं. जैसे फिश की एग्जांपल ले लें, फिश एक्वेटिक एनिमल है तो वो मुंह में मछलियां पानी में, फिश या मछलियां जो भी है मुंह में पानी लेती हैं और उस पानी को गिल्स में पुश कर देती हैं और गिल्स के जरिए फिर जो ब्लड में है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर इसी तरह से रिलीज करते हैं. तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनमें एयर लेने के बाद, एयर लेने के कई सारे प्रोसेस हैं, और जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, यानी इनहेलेशन में जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एयर लेते हैं और एयर लेने पर हमारी जो चेस्ट है, रिब्स है, वो ऊपर की ओर आ जाता है, थोड़ा फैल जाता है और फैलने से डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा स्पेस बन जाता है. तो इस तरीके से प्रोसेस तो पूरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ही सिर्फ नहीं है, मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग ही नहीं है, अलग अलग तरह के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और उनके रेस्पिरेशन के प्रोसेस भी अलग अलग है. चूंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो पूरी की पूरी एक सिस्टम के जरिए होता है, एक डिजनेटेड ऑर्गन्स होती है, इस पूरी ऑर्गन को और सिस्टम को मिला करके हम उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. लेकिन सभी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो ये जरूरी नहीं है. कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपनी स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं और उनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होती, एक स्किन के जरिए ही वो एटमॉस्फेयर से एक गैस का एक्सचेंज करते हैं. तो आइए हम थोड़ा डिटेल में सीखते हैं इसके बारे में. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में रेस्पिरेशन की बात हम कर रहे हैं और दो तरह के हो सकते हैं एनिमल्स में रेस्पिरेशन, एक एक्वेटिक एनिमल और दूसरा टेरेस्ट्रियल एनिमल. तो एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स ये यूज करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, राइट. और यहां पे ऑक्सीजन इज टेकन
from atmosphere directly, right? Na? Oxygen is taken from atmosphere directly. तो यहां पर क्या होता है, चूंकि ऑक्सीजन की सिंस ऑक्सीजन अमाउंट इज वेरी लो इन वाटर एज कंपेयर टू एयर एंड देयर फोर रेस्पिरेशन इज वेरी फास्ट in aquatic animal is higher, that is faster, higher rate, that is faster, right? यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो हमारे पास अब यहां पर भी दो तरह के एनिमल होते हैं, एक जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं और एक जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उनमें तो स्किन के जरिए ही क्या करते हैं, वो एक थ्रू स्किन और एक वो जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ऐसा ही एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन बीइंग का होता है। हम बात करते हैं अब ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग में हम, जैसा कि आपको पता है और ये बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, कि हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने को इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या फर्क होता है और क्या होता है दोनों में, ये इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। जब हम एयर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, एयर रशिंग इनटू द लंग्स थ्रू द नोजस्ट्रल नजल पैसेज एंड बाकी वो सब हम बताएंगे। तो ये जब आता है लंग्स में, तो लंग्स में आने के बाद ये डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है, और डायफ्राम फ्लैटन होने के कारण यहाँ पर स्पेस बहुत बन जाता है। ये रिब्स जो है ये ऊपर की ओर निकल जाती है, ये पूरी रिब्स जो है ऊपर की ओर फैल जाती हैं आगे की तरफ, जिससे ये स्पेस बहुत बन जाता है, और ये स्पेस बनने की वजह से ये डायफ्राम जो है पूरी तरह से फ्लैटन हो जाता है। फ्लैटन होने के बाद रिब एक्सपेंड हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा गैप बच जाता है लंग्स में जब हम एयर इनहेल करते हैं, यानी एयर हम लेते हैं एटमॉस्फेयर से। इसी तरह से जब हम एयर एक्सहेल करते हैं, यानी एयर मूविंग आउट फ्रॉम द लंग्स That is in form of carbon dioxide, तो ऐसी स्थिति में जो ये डोम शेप्ड का बन जाता है, ये पूरी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और डोम शेप्ड बन जाता है, ये नॉर्मल शेप में बन जाता है, ताकि स्पेस कम हो जाता है, और स्पेस कम होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पुश करने में हमें बाहर मदद मिलती है, और रिब्स जो है वो फिर से सिकुड़ जाता है, नॉर्मल पोजिशन पे आ जाता है, जो फैला है। जैसे आप एयर जेल करें या इनहेल करें, दोनों ही स्थिति को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिब्स जो है वो थोड़ा सा जो ये है वो डायफ्राम जो है वो बाहर की ओर आता है, और बाहर की ओर आने से अंदर जो कैविटी है डायफ्राम जो है, डायफ्राम होता है ये लंग्स और जो स्टोमक के बीच का एक लेयर होता है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, ये डायफ्राम बहुत डेलिकेट होता है, और ये डायफ्राम पूरी तरह से ये डाउन फ्लैट हो जाता है। ये जब नीचे आएगा, ये पुश करेंगे तो ये नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा तो ये पूरी तरह से ये फ्लैट हो जाएगा। तो ये फ्लैट होने पे क्या होता है कि स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये जब
हम छोड़ देते हैं, एयर एक्जेल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये फिर डोम शिफ्ट हो जाता है। ये पूरी डोम शिफ्ट है, ये थोड़ा फ्लैटन है, तो इस तरीके से रिब्स जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न हो जाते हैं। जो रिलैक्स मसल्स ऑफ डायफ्राम, ये जो डायफ्राम की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और पहली स्थिति में जब हम इनहेल करते हैं तो ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इसको पुल डाउन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दो तरीके हैं जहाँ पे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, और ये दो प्रोसेस है कि हम एयर जब लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम एयर रिलीज करते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आई थिंक ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो चाहे किसी भी एनिमल में हो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, जैसे ह्यूमन बींग के बारे में बताया, किसी भी एनिमल के बारे में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो जब रेस्पिरेशन होती है, यानी जब एयर लिया जाता है, तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर को एब्जॉर्ब किया जा सके और लिया जा सके। तो कोई भी हो उसमें सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन जैसे कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लाइक अमीबा है, प्लेनेरिया है, ये सब क्या करते हैं, ये अपने स्किन के जरिए ही गैस को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम एटमोस्फेयर टू आउटर एटमोस्फेयर टू इनसाइड द सेल। तो स्किन के जरिए ही बाहर से गैस एक्सचेंज करते हैं। तो ह्यूमन बींग के बारे में स्पेशली हमें पढ़ना है, तो हम ह्यूमन बींग के बारे में पूरी डिटेल पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये जो इनहेल करते हैं तो यहाँ से और लंग्स तक जाने। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, द प्रोसेस इन विच ह्यूमन takes oxygen from atmosphere and releases carbon dioxide to atmosphere is called respiration. The process of taking oxygen from air is called inspiration, and the process of giving out carbon dioxide is in air is called expiration. So there are two words, inspiration and expiration. Inspiration is the process in which we are taking oxygen in, and expiration is the process in which we are giving oxygen out. In human being, there is a mechanism in which we can take oxygen in and give out carbon dioxide to the atmosphere. So this complete process, how it will work and what is the process in which oxygen converted into carbon dioxide, that we have to learn in detail. So respiratory system in human being and being, like other animals,
other animals provides fresh oxygen to the body and exhale harmful carbon dioxide out of the body, right? So ये सब में होता है कि body में कार्बन ऑक्सीजन को लेते हैं। अब लेते कैसे हैं? तो एक होता है नोजल कैविटी, ये नोजस्ट्रेल और नजल कैविटी है, यहाँ से हम लेते हैं ऑक्सीजन, जैसा कि आपको पता है एयर लेते हैं। इसके अंदर फाइन हेयर की लाइनिंग होती है नोजस्ट्रेल के अंदर, नाक के अंदर जो नोजस्ट्रेल है इसके अंदर फाइन हेयर लाइनिंग होती है जो एयर को फ्रेश करता है, और एयर को फ्रेश करने के साथ ही इसके किनारे किनारे कुछ म्यूकस होते हैं जो इसको कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग करने के बाद ये आता है यहाँ पे नोजल कैविटी के जरिए पूरा, और यहाँ पर पहुंचता है फेरनिक्स के पास, और फेरनिक्स जो है यहाँ पर ये ज्वाइंट होता है। ये फेरनिक्स में क्या काम करता है, इसको फेरनिक्स क्या होता है कि यहाँ पर एयर चेंबर जो होता है वो खुलता है फेरनिक्स में, और फेरनिक्स से ये जो एयर है वो लैरिंक्स को ट्रांसफर हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एक ही नली है, एक ही पाइप है, एक जिससे हम एयर भी लेते हैं और हम खाना भी खाते हैं। तो यहाँ पर एक चेंबर होता है जो नजल चेंबर, जो यहाँ पर फेरनिक्स के पास खुलता है। तो फेरनिक्स जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में जरा लिख ले। फेरनिक्स में नोजल चेंबर ओपन इन फेरनिक्स एंड इट पासेज एयर टू लैरिंक्स ये इसका काम है। ठीक है, तो ये नोजल चेंबर इसमें खुलता है और ये यहाँ पे लैरिंक्स को एयर पास करता है। ये नेक में होता है, ये पूरी तरह से जो होता है ये नेक में होता है। इट इज सिचुएटेड इन द नेक, ये जो होता है इट इज सिचुएटेड इन द नेक इट प्रोटेक्ट्स ट्रैकिया एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, ये लैरिंक्स का काम है। नजल कैविटी से एयर इज टेकन फ्रॉम नजल कैविटी nostril and passes through the nasal cavity. ठीक है, और यहां से ये जाता है। तो जिसमें हमने कहा कि फाइन हेयर की वजह से ये पहले फिल्टर होता है ताकि डस्ट वगैरह बाहर हो जाए, और कुछ म्यूकस होता है जो इसको कंडीशनिंग करता है ताकि यहाँ तक आकर के फेरनिक्स तक पहुंचे। अब ट्रैकिया, एयर नाउ पासेज फ्रॉम लैरिंक्स टू ट्रैकिया इज ए विंड पाइप। इट इज ए विंड पाइप हियर
कार्टिलेज रिंग ऑफ कार्टिलेज इज मेड, ये देख रहे हैं इस तरह का, ये कार्टिलेज रिंग का बना होता है ताकि ये ओपन रहे, ये कभी कोलैप्स ना हो, इसलिए इस तरह के कार्टिलेज के रिंग्स बने होते हैं ताकि ये हमेशा खुला रहे, ऑलवेज ओपन बट नॉट कोलैप्स। अगर ये कोलैप्स हो जाएगा, दोनों चिपक जाएंगे तो एयर तो जा ही नहीं सकता, इसलिए इसमें रिंग कार्टिलेज के रिंग बने होते हैं। तो ट्रैकिया इज नथिंग एल्स बट ए विंड पाइप, आई कैन से ट्रैकिया इज ए विंड पाइप, ट्रैकिया इज ए विंड पाइप मेड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज विच कीप इट ऑलवेज ओपन एंड प्रिवेंट देम टू कोलैप्स, राइट। इट इज इट इज इट allow air to pass to lungs. Now these are the two lungs, both side of trachea, there are two lungs, and lungs are the primary organ for respiration. And they are situated both side of the heart. Lungs are primary organ for respiration. They are situated both side, they are situated they are situated both side of heart and they take oxygen from atmosphere here and push it to the blood, and releases CO2 from blood to atmosphere, right? So lungs has this type of function. This is a primary organ. Now there are another terms which you need to discuss. Within lungs, trachea divided bronchioles, trachea divided into two smaller tubes which extended to the lungs
to the lungs. Right? The trachea is this. Now, these bronchi further divided into smaller tubes, that is called bronchioles, and that terminates further in alveoli. So, bronchi further divided into subdivided into a smaller tubes called bronchioles, right now, which finally terminates in alveoli. Right. Alveoli is what? Now, what is this alveoli? Alveoli is this type of balloon-like structure at the end of this, you know, this is a bronchioles where it ended. This is a balloon-like structure which provides surface to exchange the gases. So, alveoli is a balloon-like structure which provides surface for exchange of gases. It increase the surface area for exchange of gases, right ना? और ये लंग्स के चारों ओर फैला हुआ रहता है. तो ये एल्वियोलाई का काम है. एल्वियोलाई ये है. डायफ्राम के बारे में, इट इज ए मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थ्रॉक्स थोरैक्स एंड एब्डोमेन. Right, it forms base of right. और जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं तो ये डोम सेट हो जाता है. ये सारी बातें आप समझ गए. और ये सारा पूरा का पूरा प्रोसेस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए काम करता है. ऑक्सीजन एल्वियोली जो होता है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है और फिर ब्लड से ये जो बैलून से स्ट्रक्चर है ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और फिर ये इनको ट्रांसफर करते हैं इस चेन के जरिए, ब्रोंकियों के जरिए, और फिर आकर के ये सारा जो है वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है माउथ के जरिए. तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन में है ये काम करता है. और इस तरीके से आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पूरी और ये मिल करके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए काम आता है. ये जो एल्वियोलाई होती है इसकी एक्सटेंसिव नेटवर्क होती है ब्लड वेसल्स के साथ, इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में मिक्स कर देता है. और ब्लड में मिक्स करने के साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से सक करके और फिर इसको लेता है वापस कर देता है.
एल्वियोलाई का एक्सटेंसिव नेटवर्क होती है ब्लड वेसल्स के साथ, और यही जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन ये लेता है एल्वियोलाई, तो ऑक्सीजन की एक एफिनिटी होती है आर रेड ब्लड कॉर्पल्स के साथ, आरबीसी जिसको कहते हैं, और आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आरबीसी, इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, ये सिर्फ यहाँ से पुश करने से और ये ऑक्सीजन जो है हर एक सेल में बॉडी के पहुंच जाए ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पल्स जो आरबीसी है उसकी ऑक्सीजन से बहुत एफिनिटी होती है, इसलिए ऑक्सीजन को तुरंत ग्रैब कर लेता है और उस आरबीसी जो होता है वो ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। अगर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे हार्ट, लंग से और टो तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में लगभग 3 साल का समय लग जाता, ठीक है ना। तो लगभग 3 साल का समय लग जाता, आप सोचिए कि ऐसे में आदमी कैसे जिंदा रहता। इसलिए आरबीसी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर ये नहीं होता तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट होने में बहुत समय लगता। इसी तरीके से जो हमारा एल्वियोलाई है ये इतना बड़ा सरफेस प्रोवाइड करता है कि जब एक्सपेंड होता है तो 80 मीटर स्क्वायर, थिंक हाउ ह्यूज इट इज, 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और एक्सेस ऑफ एयर हमेशा वहां रहता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होने में मदद मिल सके। तो इस तरीके से ये पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बड़ा ही डेलिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट ईजी। यहाँ पे इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल करके ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करते हैं, और मेन रूप से एल्वियोलाई जो है वही गैस को एक्सचेंज करने के लिए, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसके लिए सरफेस प्रोड्यूस करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर बात करेंगे कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या है, दैट इज देयर आर 3 स्टेप्स, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑल्सो वी विल लर्न इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। टिल देन गॉड ब्लेस यू, बाय।